हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड का यूज करके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर कैसे बना सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं तो आप अपने एमएस वर्ड का यूज करके बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी भी कोचिंग का या फिर किसी भी स्कूल का कोई एग्ज़ाम पेपर बनाना है, अब चाहे आप कोई एग्ज़ाम का पेपर बनाएं या फिर कोई भी टेस्ट का पेपर बनाएं, आप उसको कैसे बना सकते हैं। टेस्ट पेपर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले तो आपको उसके फॉर्मेट को समझना होता है कि हम उसके फॉर्मेट को बनाएं कैसे। तो चलिए आज हम आपको एक नॉर्मल तरीका बताते हैं कि हम अपने पेपर को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम में एमएस वर्ड को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं या फिर सर्च वाले में क्लिक करके आपको वर्ड सर्च कर लेना होगा। यहाँ पर हमने वर्ड सर्च किया, पहले नंबर पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के नाम से आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। आपको भी कुछ इस तरीके से अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेना होगा। अब आप चाहे एमएस वर्ड को शॉर्टकट से ओपन करें, चाहे जिससे ओपन करें, आप कई तरीके हैं एमएस वर्ड को ओपन करने का, चाहे जिस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पेज का साइज़ ध्यान देना होगा कि आपका पेज का साइज, यहाँ पर हम जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट पे जाने के बाद साइज में जाते हैं। साइज में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लेटर साइज है, या तो आपको लेटर साइज करके रखना होगा या तो A4 साइज करके रखना होगा। दोनों में से आपको कोई भी एक साइज ले लेना होगा, क्योंकि दोनों साइज सिमिलर ही हैं तो ये प्रिंट पर सही से निकल जाते हैं। तो आपको A4 साइज या फिर लेटर साइज, दोनों में से चाहे जो साइज ले लेना होगा। तो यहाँ से हम A4 पर प्रिंट निकालते हैं, तो A4 साइज को ही ले लेते हैं। फिर अब A4 साइज लेने के बाद, जैसे मान लीजिए पेपर को थोड़ा बढ़िया बनाना है तो पेपर में कॉर्नर पे एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको फिर से यहाँ से पेज लेआउट पे जाना होगा। जैसे पहले आपका होम पे रहेगा तो होम पे नहीं है वो ऑप्शन, तो यहाँ से हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे पेज बैकग्राउंड का ग्रुप दिख रहा है, तो इसमें देखेंगे तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ से हमें बॉक्स लेना है। बॉक्स लेने के बाद ओके कर देंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे हमारे पेज में पूरा बॉर्डर आ गया है। इस बॉर्डर का साइज़ वगैरह भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमें साइज़ वाइज नहीं बढ़ाना है, इतना ही नॉर्मल रहने देना है, यही सही लग रहा है। फिर अब उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ऊपर हमें सबसे पहले मेन एक हेडिंग देना होगा कि यहाँ पर हम किसके नाम से या फिर जो भी स्कूल के नाम से आप बनाएंगे उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखेंगे, ऊपर एकदम लिखना है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी लिखने लगेंगे तो वो नीचे लिखा रहा है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड से लिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सेंटर से लिखा है। तो सेंटर से लिखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे 3-4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है लेफ्ट का, फिर दूसरा है सेंटर का, तीसरा है राइट का, चौथा है जस्टिफाई। तो इसमें से हमें सेंटर का यूज करना है, तो एक बार हम सेंटर पर क्लिक कर देंगे। अब सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो नाम लिखना है कि किस नाम से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम अपने चैनल का ही नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से अपने चैनल का ही नाम मान लीजिए लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना होगा, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर Ctrl+A करके पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद इसका साइज़ पहले बढ़ा लेना है। कुछ इस तरीके से हमने साइज़ इतना बढ़ा दिया, फिर साइज बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड भी करना है, मतलब मोटा करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे बी लिखा होगा, बी पर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाएगा। फिर अब जैसे ये नीचे मान लीजिए ज़्यादा नीचे लग रहा है, इसको थोड़ा और ऊपर करना है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसको ऊपर भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया। फिर अब उसके बाद जैसे मान लीजिए इसमें नीचे हम इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद जैसे ये तो मान लीजिए उस इंस्टीट्यूट का नाम हो जाएगा, मतलब जिस नाम से आप पेपर बना रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा कि जिसके नाम से आप पेपर बना रहे हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद इसी के नीचे आपको एग्जामिनेशन का नाम लिखना होगा, मतलब किस चीज़ का पेपर है। जैसे मान लीजिए आप ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ ईयरली। कुछ इस तरीके से हमने हाफ ईयरली, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, मतलब जिसका भी एग्जामिनेशन पेपर आप बना रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको लिख देना होगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का बन रहा है, ये दोनों के बीच में माइनस लगा देते हैं।
फिर उसके बाद आप ईयरली एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड से हटाना है, बी पे क्लिक कर देंगे बोल्ड से हट जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, मतलब किस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर का ही क्वेश्चन पेपर है, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर लिख देंगे। यहाँ पर हमने कंप्यूटर ही लिख दिया। फिर कंप्यूटर लिखने के बाद आपको नीचे टाइमिंग वगैरह अगर देना चाहते हैं कि मतलब कितने मिनट का ये पेपर रहेगा, तो टाइमिंग भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर इसमें आगे हम सब्जेक्ट भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख देंगे, थोड़ा आसानी रहेगा समझने में। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट कंप्यूटर हो गया। अब सब्जेक्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद इंटर करते हैं। अब इंटर करने के बाद हमें यहाँ लेफ़्ट से लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से लेफ़्ट चालू कर लेंगे। लेफ़्ट चालू करने के बाद यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। साइज कम करने के बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम, मतलब पेपर का टाइमिंग आपको लिखना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने टाइम लिख दिया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। कुछ इस तरीके से हमने हम टाइम लिख दिया। फिर टाइम लिखने के बाद जैसे मान लीजिए पेपर 2 घंटे का है, तो यहाँ पर हम 2 आवर लिख देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने 2 आवर लिख दिया, मतलब आप पेपर जितने घंटे का बनाए हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दे देना होगा, ताकि पता चलता रहे कि आपके पेपर का टाइमिंग क्या है या फिर कितने टाइम का आपका पेपर रहेगा। फिर इतना होने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ऊपर की तरफ यहाँ लास्ट में आपको मैक्सिमम मार्क देना है, तो यहाँ पर m.m कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप मैक्सिमम मार्क टोटल पेपर का आपका कितना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैक्सिमम मार्क हमारा 50 का है, तो यहाँ पर हमने 50 दे दिया। फिर 50 देने के बाद अब इतना मान लीजिए हमारा ऊपर का हेडिंग कंप्लीट होता है, मतलब ऊपर का जो भी हम नॉर्मल लिखते हैं वो सब हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद अब नीचे से आते हैं क्वेश्चन लिखने की बारी, मतलब अब इसमें आपको अपना क्वेश्चन वगैरह पहले से ही लेकर रखना होगा। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन वगैरह पहले से अपना लिखे रहेंगे तो आपको बनाने में आसानी रहेगा। फिर यहाँ से हम इंटर करते हैं। अब इंटर करने के बाद जैसे मान लीजिए हम ऊपर सबसे पहले यहाँ पर नोट लिखना चाहते हैं, नोट हमने लिखा। फिर नोट लिखने के बाद इसको मान लीजिए थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है, तो सिलेक्ट करके बोल्ड चालू कर लेंगे, तो वो थोड़ा हाईलाइट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऊपर सभी लिखते हैं ना ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने लिख दिया ऑल क्वेश्चंस, इतना हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर डॉट लगाते हैं, ये मान लीजिए हमारा एक मेन हेडिंग हो गया, ताकि इसको हमने बोल्ड इसलिए किया है कि ताकि ये हाईलाइट रहेगा तो पता चलता रहेगा। इतना हो गया। फिर इतना होने के बाद जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर बनाते समय पहले कोई फिल इन द ब्लैंक्स बनाता है, या फिर पहले मैच द फॉलोइंग बनाते हैं, या फिर MCQ बनाते हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन पेपर में बनाना चाहते हैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना होगा। अब जैसे मान लीजिए हमें शॉर्ट आंसर का या फिर लॉन्ग आंसर का नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें MCQ बनाना है, तो पहले मान लीजिए हमें MCQ का बनाना है क्वेश्चन पेपर, तो हम यहाँ पर MCQ लिख देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से MCQ लिख दिया। MCQ लिखने के बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतना हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसमें जो MCQ है इसको भी हाईलाइट करना है, तो इसमें सिलेक्ट करके इसको हम इसका भी मतलब इसको भी बोल्ड कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको थोड़ा अलग तरीके से हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने जाके मान लीजिए ये वाला ले लिया। ये लगाने के बाद ये थोड़ा अलग तरीके से हाईलाइट हो गया, कुछ इस तरीके से। इतना हो गया। फिर यहाँ से हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जैसे देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमने इंटर किया, तो इंटर करने के बाद फिर से वही फॉर्मेट लग जा रहा है, तो इसको एक बार हटाना है। तो यहाँ से हम बैक स्पेस करेंगे, दो बार बैक स्पेस करेंगे तो वो ऑप्शन हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हम क्यू लिखते हैं, क्यू लगा के 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट और करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके इसमें अंडरलाइन लगा देंगे, तो ये हमारा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो गया। पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा MCQ स्टार्ट हुआ है। फिर इतना करने के बाद अब यहाँ से क्वेश्चन वगैरह देना है, तो क्वेश्चन 1 इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर इसको भी बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोल्ड को बंद कर देना है। फिर यहाँ पर आप जो पहला क्वेश्चन जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन दे दिया,
यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दे देते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया पहला। अब हमारा ये एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन देने के बाद फिर से यहाँ इंटर करते हैं। अब इंटर करने के बाद यहाँ से हम ABCD करके हमें अलग अलग ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए लिखते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर हमें बोल्ड को बंद कर देना होगा। बोल्ड को बंद करने के बाद यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पर दे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर उसमें मॉनिटर दे दे रहे हैं। अब जैसे जो भी ऑप्शन आपको अलग अलग ऐड करना होगा, यहाँ पर मान लीजिए हम पहले ऑप्शन में मॉनिटर ऐड कर दिए, फिर यहाँ से बोल्ड को चालू करते हैं। बोल्ड को चालू करने के बाद यहाँ पर बी लिखेंगे, बी लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर यहाँ से बोल्ड को बंद करेंगे। बोल्ड को बंद करने के बाद फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हमने CPU लिख दिया। CPU लिखने के बाद फिर से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पहले थोड़ा सा आगे करें, फिर यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, उसके बाद बोल्ड को बंद करेंगे। बोल्ड को बंद करने के बाद अब यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देना है। अब सी वाले ऑप्शन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या दे दिया, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम माउस दे दिए, माउस हो गया, फिर स्पेस देंगे। उसके बाद यहाँ पर डी लिखेंगे, डी लिखने के बाद लास्ट वाला ऑप्शन ऐड करेंगे। और इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो बोल्ड चालू करके उसके बाद डी लिखेंगे, तो ये भी थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल्ड को बंद करते हैं। बोल्ड को बंद करने के बाद फिर इसमें मान लीजिए नन ऑफ दीज दे देते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर कुछ ही तरीके से हमने नन ऑफ दीज दे दिया। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम इंटर करेंगे, फिर इंटर करने के बाद यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन 2। इस तरीके से क्वेश्चन 2 हो जाएगा। फिर इतना होने के बाद अब जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 जो जो भी ऐड करना होगा ऐसे ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद अब मान लीजिए नीचे से यहाँ पर हमें लॉन्ग क्वेश्चन का बनाना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन का बनाना है तो उसके लिए फिर से यहाँ पर हम जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊपर हमने MCQ का बनाया था, तो उसमें अलग से यहाँ पर बुलेट्स चालू करके उसके बाद हमने MCQ स्टार्ट किया था। फिर नीचे क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ से जाते हैं इस पर। अब यहाँ से फिर से एक बार बुलेट्स, या फिर अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दिखाना है, तो यहाँ से ये वाला शेप हमने ले लिया, मतलब उसमें ये वाला लगा दिए सिंबल। फिर इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं, इसको अपने मतलब बराबर एडजस्ट कर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ से अब लिखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो भी मतलब आप फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, कुछ ही तरीके से बोल्ड को चालू करके हमने यहाँ पर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस लिख दिया, ये हो गया। फिर इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद फिर से बताया था हमने, दो बार बैक स्पेस करेंगे तो वो सिंबल हट जाता है। फिर सिंबल हटने के बाद अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है लॉन्ग का, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 लिखा। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से बोल्ड बंद करेंगे, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से अब आपको अलग अलग क्वेश्चन दे देना होगा। इतना हमने दे दिया, यहाँ पर स्पेलिंग को सही कर देते हैं। कुछ इस तरीके से फिर इंटर करके क्वेश्चन 2 देना होगा, क्वेश्चन 2, ऐसे जितना भी क्वेश्चन वगैरह देना होगा। अब यहाँ पर हमने ऊपर मैक्सिमम मार्क पहले से ही दे दिया है, 50 नंबर का है, तो आप 50 नंबर के हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे।